हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने खुद के साथ साथ अपने मासूम बेटे को 3 साल तक एक ही कमरे में बंद रखा, वो भी कोरोना के डर से। हैरानी की बात यह है कि पूरे 3 साल से महिला ना खुद कमरे से बाहर निकली और ना ही अपने बच्चे को निकलने दिया। महिला के बेटे ने जब आखिरी बार सूरज देखा था तब वो 7 साल का था। महिला की शिकायत खुद उसके पति ने की है। पति ने बताया कि 3 साल तक उसे भी अंदर नहीं आने दिया गया। पिछले 1.5 साल से वो अकेले एक किराए के मकान में रह रहा है। पति की शिकायत के बाद अब पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मिलकर माँ बेटे का रेस्क्यू किया। विभाग की मदद से माँ बेटे को घर से बाहर निकाला गया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के अंदर का माहौल बहुत पैथेटिक था, बहुत ज्यादा। मतलब अगर एक दिन भी, फर्स्ट डे भी अगर कोई बिस्किट का पैकेट भी आया है तो उसका भी वो पैकेट का रैपर वगैरह वो सब अंदर ही पड़ा हुआ था। मतलब 3 ईयर से, और पूरा कचरा घर के अंदर, वो एक दिन भी सफाई नहीं की गई वहाँ पर। बाल वगैरह किस तरह, बच्चे के बड़े बाल बच्चे के कटे हुए थे और बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से कटे हुए थे। तो बालों के बारे में जब पूछा तो उसने बताया मेरी मॉम बाल काटती थी। तो वहीं घर के अंदर ही सब कुछ होता था। घर के अंदर वो बाल काटने के बाद भी वो साइड में बाल सब पड़े हुए थे। 33 साल की मुनमुन मांझी और उनके बेटे को जब निकाला जाने लगा तो उन्होंने लगातार कहा कि वो अपने बेटे को बाहर नहीं निकलने देंगी। वहीं विभाग के मुताबिक मुनमुन कोरोना महामारी को लेकर बेहद दहशत में थी। टीम ने लाख समझाया लेकिन वो नहीं मानी। ऐसे में मजबूरन टीम ने दरवाजा तोड़ दिया और माँ बेटे को बाहर निकाला। चक्करपुर से पुलिस का फ़ोन आया था हमारे पास। मैं ऑफिस में ही बैठी थी तो पुलिस ने बताया कि मैम एक यहाँ से चक्करपुर से कोई रेजिडेंट आए हैं और वो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ़ जो है वो 3 साल से अंदर बंद है, मेरा बच्चा भी अंदर ही बंद है और वो बाहर भी नहीं आने देती और ना मुझे अंदर जाने देती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पुलिस को यही डायरेक्शन दी कि सबसे पहले तो उनकी कंप्लेंट आप दर्ज करो और उस पर फिर एक टीम बनाइए और चाइल्ड लाइन वालों से कांटेक्ट करिए। 1098 पे पहले हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई, फिर चाइल्ड लाइन वहाँ पहुँची पुलिस और उन्होंने एक टीम बना के फिर CWC में एज अ मेंबर मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसको रेस्क्यू किया बच्चे को। और पहले लेडी को रेस्क्यू किया, फिर बच्चे को रेस्क्यू किया और डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे सिविल हॉस्पिटल से। और तो कंडीशन बच्चे की तो कंडीशन ठीक थी, बाकी लेडी मेरे से पहले मैं पहुँची जब तक लेडी को रेस्क्यू कर चुके थे वो, तो लेडी को सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे और बच्चा मेरे सामने रेस्क्यू किया था। बता दें फिलहाल बच्चे की स्थिति ठीक है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है। मामला अभी तो पुलिस के पास ही है और अभी तो उनकी सिर्फ मेडिकल वगैरह ही हुआ है। अभी हो सकता है कि कोई मानसिक बीमारी से कोई ग्रस्त हो वो लेडी। उनको क्या डर रहता था वो बच्चे के साथ अंदर बंद रहे? हाँ, यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एक्चुअली, कि उसका क्या मतलब। अभी तो उसका जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक डॉक्टर्स हमें पूरी रिपोर्ट नहीं दे देते, क्योंकि मानसिक कुछ बताया है कि कोरोना के डर की वजह से वो स्टार्टिंग में तो यही था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट कोरोना आया था, तो उसमें उन्होंने मतलब उनको ये लगा कि कोरोना, क्योंकि बहुत लोग उसमें, ऐसा नहीं है कि ये खाली एक यही लेडी हैं, वो पहले भी बहुत सारे हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि इस तरीके से लोगों को मनोरोग हो गया एक तरह से कि नहीं हमें कोरोना हो जाएगा और पैनिक हो गए थे लोग। तो उसकी वजह से उसने मतलब ये सोचा, अपने आप को अंदर बंद कर लिया और हस्बैंड बाहर गया हुआ था तो हस्बैंड को भी अंदर नहीं आने दिया। उसको भी यही बोला कि आप किसी बाहर वाले अपार्टमेंट में कहीं भी लेके रहो, अभी आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आप बाहर जाते हो, आपको जॉब करनी होती है, आप अंदर आओगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल की रिपोर्ट।